बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं दो डिफरेंट किस्म की चना चाट। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है और मेरी तरफ से इस तमाम मेरे देखने वालों, तमाम मेरे व्यूज़ को रमज़ान मुबारक हो। तो बनाना शुरू करते हैं। चाट के लिए हम पहले चटनी बना लेते हैं। तो मैंने कुछ पुदीना सब्ज़ ले लिया, सब्ज़ धनिया, एक टमाटर और दो सब्ज़ मिर्ची ले ली हैं। तो सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। हमने ये चने लिए और इनको अच्छी तरह से हमने रात को भगो रखा था ठंडे पानी में। दिन को मैंने इस एक चम्मच नमक डाल के अच्छी तरह से बॉयल कर लिए, ये बिल्कुल गल चुके हैं। दो अदद हमने आलू लिए हैं जिनके छोटे पीसेस हमने काट लिए, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। बूंदी हमने ले ली है जिसको गर्म पानी में मैंने भगो के 15 मिनट के लिए रखा था, पानी हमने ड्रेन कर लिए, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। तकरीबन आधा कप हमने ली थी। मिसालों में हमने चाट मसाला लिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून और नमक हमने 1/2 टीस्पून लिया, काला नमक हमने 1 टीस्पून लिया और सुरख मिर्च 1 टीस्पून है। ये सारे मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे। हमने टमाटर भी काट लिए और प्याज भी हमने काट लिए और ये खीरे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस तार के कर लिए। टमाटर प्याज पहले इसमें डालेंगे, थोड़े से टमाटर वो भी थोड़े से शामिल करेंगे, खीरे भी हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे हम। अच्छी तरह से इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। प्याज थोड़े से और मैं डाल रही हूँ, प्याज जो ज़्यादा चाट में अच्छे लगते हैं और टमाटर भी। चटनी जो हमने बना ली थी सब्ज़ धनिया पुदीने के, सब्ज़ मिर्ची की, वो भी इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। एक कप हमने इमली जो उसको भी हमने पानी में अच्छी तरह से भगो रखा था, तो उसका पल जो हमने निकाल लिया, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। अभी हम इसमें दही वो शामिल करेंगे। दही आपकी मर्ज़ी से आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया वो भी शामिल कर लेंगे। चाट हमारी तैयार हो चुकी है, तो हम इसमें प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। प्लेट में हमने डिश आउट कर लिए, थोड़े से ऊपर और प्याज वो डाल देंगे इस तरह, थोड़े से टमाटर, तार भी इस तरह थोड़े थोड़े से ऊपर डालेंगे और थोड़े से हम जो चटनी है वो उसका इस तरह लेयर लगा देंगे। थोड़े से इस तरह पत्ते हम धनिए के रख देंगे बस। दूसरी चाट हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन रख दिया, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। मैंने इसको छोटे पीसेस में काट लिए, वो भी शामिल कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
अभी थोड़े से हम कटे हुए अनियन वो भी डाल देते हैं, तकरीबन आधा प्याज मैंने लिए, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चने जो हमने बॉईल किए उसमें का पानी जो हमने निकाल लिया था वो पानी मैंने लिए तकरीबन आधा कप है। एक हमने आलू ले लिए जिसको हमने बॉईल किया और मैश कर लिए, वो भी इसमें शामिल कर देंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसी पानी में हम। मसालों में हमने नमक ले लिया हाफ टी स्पून है, और चाट मसाला 1 टेबल स्पून, काला नमक 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च ली है और सुरख मिर्च भी हाफ टी स्पून है। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे। अब चने जो हमने लिए हैं बॉयल वो इसमें शामिल कर लेंगे, अच्छी तरह से भुनेंगे। हमने जो पानी में जो आलू है इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिए मैश करके, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इमली का जो हमने पल्प लिया वो भी इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए इस तरह हम पकाएंगे इसको। ये हमारा चने जो तैयार हो चुके हैं, हमें इतना ही गाढ़े रखना है इसको, तो चूल्हे को बंद कर देंगे। हम प्लेट में डिश आउट करेंगे। हमने एक प्लेट ली है, इसमें 2 समोसे मैं नीचे रखूंगी पहले। चाट ऊपर डालेंगे। ऊपर हम थोड़े से कटे हुए जो प्याज वो शामिल करेंगे। टमाटर कटे हुए तार है वो भी इसमें थोड़ी सी हम डाल रहे हैं। दही ऊपर डालेंगे मिडल में। थोड़े से और प्याज, सबस कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा सब थोड़ी सी सबस मिर्चें इस तरह ऊपर डाल देंगे, और चाट मसाला मैं ऐसे में थोड़ा सा ऊपर डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ गई। रमज़ान के महीने में ज़रूर बनाएं, अपने फैमिली को ज़रूर खिलाएं, और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।